राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बच्चे बुजुर्ग नए पुराने, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए इंसान को बड़ा सख्त परिश्रम करना पड़ता है, और सख्त परिश्रम करने में उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। सर्दी गर्मी की परवाह नहीं की जाती, जब कहीं जाके उसको थोड़ा बहुत कुछ मिलता है। अब थोड़ी सी गर्मी है, उससे सिर छिपाते फिरते हो। अगर सांग सनीमा होता तो सबसे आगे बैठने का प्रयास करते, अब सबसे पीछे जाने की कोशिश करते हो। मैं कहता हूँ, सत्संग में आए हो, तुम्हें सच्ची लगन है, तो 5-7 मिनट के बाद में आपको कोई गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी होगी तो भी नहीं लगेगी, अवल तो गर्मी नहीं रहेगी। मालिक कृपा करता है, जब इतने लोग सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति के लिए, उसका गुणगान करने के लिए, उसकी याद में, उसकी लगन में, उनके प्रेम में आके और नज़रें बिछाए बैठे हैं, तो उनको तकलीफ़ थोड़ी हो सकती है। तकलीफ़ इंसान को जब होती है, किसी चीज़ को बोझ मान लेता है। सत्संग को आप बोझ मान के नहीं आए, आपको अगर कोई मजबूर करके ले जाता, धक्के से तुम्हें ले जा के बैठा देता, तो आपके लिए मुश्किल होती। अब स्वेच्छा से आए और उसमें भी आपकी श्रद्धा अटूट है, चाहे वो कितनी उम्र का है, चाहे शरीर में तकलीफ भी है, चाहे उसको किसी दूसरी तरह की कोई परेशानी है, लेकिन जब तक सत्संग में आके बैठे उसको कोई परेशानी नहीं। मैंने देखा, एक माता 92 साल की उम्र थी, और वो भी चल के गई मेरे पास। सेवादारों ने कहा, नाना, बोला कि मिलने के लिए तो आई हूँ, तुम मना करते हो। मैं बोला, भाई आने दो। जब पास आई, मैंने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? कहने लगी, 92 साल की उम्र है, पोता है, इसको पता होगा, पूछ लो। जब इतनी उम्र है, घर में चलना फिरना इतनी उम्र में बड़ा मुश्किल होता है, वो भी जब इतने चल के आए हैं, पैड़ियों पर भी चढ़े हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि वो शक्ति कहाँ से आती है। जब आदमी किसी चीज़ में अपना विश्वास, अपना जो श्रद्धा और संकल्प पक्का कर लेता है, उस वो आदमी कभी भी इन चीज़ों के वशीभूत नहीं होता कि उसको परेशानी है, बैठने में तकलीफ़ है, उसको ठंड लगती है, या उसको गर्मी लगती है, या उसको बैठने के लिए सही जगह नहीं मिली। और इन चीज़ों के लिए जो लोग शिकायत करते हैं, तो समझो कि वो सच्चे मन से सत्संग के लिए नहीं आए, वो देखने के लिए आए हैं। और मैं बार बार ये बात समझाया करता हूँ कि सत्संग का लाभ उनको मिलता है जो सत्संग करने के लिए आते हैं। आप कहोगे, सत्संग करने में अंतर है। सत्संग एक ऐसे लोग होते हैं जो देखने के लिए आते हैं, नंबर दो वो होते हैं जो सत्संग सुनने के लिए आते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो सत्संग करने के लिए आते हैं। तो सत्संग देखने के लिए आते हैं, उनके लिए तो वो सोचते हैं, इतने लोग आए हैं, क्या है, क्या है, ये क्यों बेवकूफ़ बने हुए हैं, कि चल के हम भी देखें क्या बात बताएगा, क्या कहेगा। लेकिन वो बात जो उनके मतलब की नहीं होती। सत्संग की बात तो होती है जीवन के सुधार की, भक्ति करने के तरीके की, पाप कर्म को त्यागने की, नेकी करने की। जो अभी शब्द गया ना, कबीर साहब की वाणी थी, मन नेकी कर ले। नेकी भलाई को कहते हैं, नेकी पर उपकार को कहते हैं,
नेकी पर हित को कहते हैं, और जो पर उपकार करता है, पर हित करता है, दूसरे को सुख देता है, उसको खुद के सुख की चाह बेशक ना रखो, उसको बदले में वो चीज़ अपने आप मिलेगी। क्योंकि जो इंसान किसी को देता है, बदले में उसको 10 गुना होके वो चीज़ उसको मिलती है। हम किसान हैं, किसान आदमी खेत में जाता है, बीज डालता है खेत में, एक दाना डालता है उसके कितने दाने बनते हैं। एक बाजरा, एक गेहूं का दाना, एक सरसों का दाना आप डाल के देखो, पौधा निकलेगा, अनेकों उसमें फली लगेंगी, एक एक फली में कितने दाने होंगे, एक पेड़ में कितने दाने हो जाएंगे। उसने एक दाना दिया था, प्रकृति ने उसके हजारों दाने दिए उसके बदले में। लेकिन हमें इतना सोच और इतनी गहराई तक ध्यान करने का समय नहीं है। हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं। भक्ति भी ऐसी चीज़ है, तो वो ऐसे जो देखने वाले होते हैं ना, उनको यकीन नहीं आता, वो सोचते हैं ये बेवकूफ़ लोग हैं। क्यों? उनकी चाह नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको पहचान नहीं है कि ये क्या चीज़ लेने के लिए आए हैं। कई लोग तो कहे, तुम्हें क्या मिलता है, क्या मिलता है। मैं कई बार, एक दो बार पहले भी बताया है, ये अपने लड़का जितेंद्र बैठा है यहाँ, वो सामने बैठा, ये रिकॉर्डिंग करके जो यूट्यूब पर इसमें डालता है, सारे सत्संग यही डालता है। तो ये जब भी दिल्ली से दर्शन करने के लिए आता, बहुत सुबह सवेरे आते हैं, तो भिवानी में जब मिठाई की दुकान पे प्रसाद लेने के लिए जाते हैं और उससे कहते हैं भाई प्रसाद दे, तो बार बार आने से उसने पहचान लिया कि ये आदमी तो हफ्ते में एक बार ज़रूर आता है। एक दिन पूछ लिया, आप कहाँ जाते हो? बोला दिनोद, दिनोद जाते हैं। बोला प्रसाद लेके जाते हो, आपको कितने साल हो गए? बोला मेरे को दोगे 24-25 साल। कि आपको क्या मिला वहाँ पे? ये हंसने लग गया। बोला जो मुझे 25 साल में मिला है, तुझे 2 मिनट में कैसे बता दूँ मुझे क्या मिला है? सोचो इस बात को, मिलता क्या है? जो गुप्त खजाना तुम्हें मिलता है, उसका पता भी नहीं लगता। सिर्फ अपनी नीयत को सच्ची अगर रखते हो और सही तरीके से तुम अपने ईमानदारी से, सच्चाई से और पूरे अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करते हो, तो उसके एवज में, उसके बदले में जो तुम्हें मिलता है, तुम्हें भी पता नहीं लगता कब तुम्हें क्या मिल गया। कई बार आप सोचते रह जाते हो कि ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था, मालिक ने बड़ा दिया, बड़ा दिया मालिक ने, तुमने दिया होगा, उसके बदले में आपको मिला। बिना दिए तो किसी को मिलता ही नहीं। जो विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, उसको कोई अंक नहीं मिलते। किसान खेत में काम नहीं करता है, उसकी फसल को आवारा पशु जानवर चर जाते हैं, नहीं मिलता उसको कुछ भी। व्यापारी आदमी अपने व्यापार को करके अगर किसी को, दूसरे को संभलवा देता है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता, और ही लोग खा जाते हैं उसको। हर चीज़ को खुद संभालने के लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, उसके ऊपर आदमी को कड़ी दृष्टि रखनी पड़ती है। तो भक्ति तो एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी इसको, इस संसार के झमेले से बचाना पड़ेगा। इसमें काल और माया ने ऐसे प्रपंच रच रखे हैं, जीव का बच पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जो हम बात मैंने कही थी, गुरु जो सत्संग देखने के लिए आते हैं, वो बाहर से देते हैं, देख लेंगे कि 20-25-30 हज़ार आदमी थे, भंडारा चल रहा था, लोग सेवा कर रहे थे, सत्संग में बैठे तो शांति से बैठे थे, कोई कहने वाला, सुनने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। जलसे जुलूस होते हैं तो पुलिस होती है, दूसरे लोग भी होते हैं तो भी मुश्किल से लोग बैठते हैं, फिर भी खड़े रहते हैं। यहाँ लोग स्वेच्छा से बैठते हैं, खुद सेल्फ कंट्रोल है इनका, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। सेवादार ब्राय नाम होते हैं उनको बताने के लिए, कितने प्रेम से बैठ जाते हैं। एक जगह से नहीं आए, एक गांव से नहीं आए, एक प्रकार के इनके विचार ख्यालात नहीं हैं, एक जाति से नहीं हैं, हाँ एक गुरु को मानते हैं। वो गुरु कौन? परमात्मा को, इंसान को नहीं, वो एक प्रभु को मानते हैं, उसी की लगन में आए हैं, तो उनको ये परवाह नहीं है। तो देखने वाले तो इस बात को देख के असरज भी मान लेंगे कई लोग, कि भाई कोई तो शक्ति है, कोई ताकत है।
कोई तो करिश्मा है जो इन लोगों को इस प्रकार से बांधे हुए रखता है। ये है देखने वालों का। दूसरा, लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं, आप सभी आए हैं। सुनने वाला तो अगर यहाँ से हमारी आवाज़ जहाँ जाती है वहाँ भी सुन लेगा। सुनने का मतलब कानों का काम है, जिसके कान हैं कोई भी कैसी भी आवाज़ होगी उसको सुनेगा। लेकिन वो सुनने से क्या है कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। सुनने का मतलब है सत्संग करना। जो सत्संग करने के लिए आते हैं वो एक एक वचन को गौर से सुनते हैं और जो भी सुनते हैं उसको अपने हृदय में बैठा लेते हैं। एक एक वचन उनके हृदय में एक एक तीर के समान काम करता है, क्योंकि उनको तड़प है, लगन है उस बात की कि आज हमें कई बार इंसान के दिल में अनेकों भ्रम हो जाते हैं, कई बार सुमरण करने का तरीका भूल जाते हैं। कई कहते हैं जी सुमरण कैसे करें, इस प्रकार से हम नहीं कर पाते। कई कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है। कई कह देते हैं कि हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि नाम की दीक्षा देते वक्त तो गुरु आपको काफ़ी कुछ बताता है कि इस बार के संसार में क्यों भटकते हो तुम। देख उलट के मन में, के उल्ट के मन में देखो, अंदर में जाओ, वहाँ तुम्हें नूरी गुरु मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, शब्द सुनाई देंगे, अनेक प्रकार के आपको जो नज़ारे नज़र आएंगे उनमें जाके तुम मस्त मगन हो जाओगे, रूह को शांति मिलेगी, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कटेंगे। ये बातें तो बता दी आपको, एक ख्याल और विचार दे दिया गया, बड़ी रोचकता के साथ भी बताई गई, और वो बताई तो यथार्थ बातें हैं, यथार्थ है ये। जो वास्तविकता तो नहीं बताई गई, लेकिन उनकी तरफ इशारा जो किया गया है वो उन्होंने अपने अनुभव हमें समझाए और बताए हैं कि ऐसा अगर करोगे तो आपको भी ऐसा मिलेगा। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अगर आप गौर करोगे, उसके लिए जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरी करोगे, उनके लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता है उन योग्यताओं को आप अपने जीवन में उतार के दिखाते हो, जिस प्रकार से हम सब से प्रण करवाते हैं, शराब ना पियो, बीड़ी हुक्का पान तमाकू ना पियो। अभी छोटा हादसा बताऊं, आते आते एक गांव में रुके थे हम, तो हम तो अंदर चले गए बाहर, कोई अलग अलग कोई दूसरे उसको मानने वाला था और कोई हमें मानने वाला था। वो कहने लगे आ जा अंदर चला। अरे हे महाराज जी, बोले कि हाँ चल अंदर चलेंगे। बोले आ जा हुक्का पीवाएंगे। नोला हुक्का हम तो पीते नहीं है। नोला मारा तो हुक्का वाले को नहीं रोक क्या करे। नोला थारा कैसे थरला तो शराब ने भी को नहीं रोके, लेकिन मारला तो को नहीं पीण दे। कहने का मतलब हम इन चीज़ों का नियम करवाते हैं कि कोई भी नशीली चीज़ का प्रयोग ना करो। कल भिवानी में बहुत बड़ी मुहिम थी, 1000 किलोमीटर तय के पुलिस के सिपाहियों ने या बड़े बड़े अफसर भी उसमें शामिल थे, और वो मुहिम इसलिए छेड़ी है कि हमारे समाज में शराब ने ऐसा घर कर रखा है, नशा का हो, ड्रग्स जिसको कहते हैं, नशा किसी भी प्रकार का, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई स्मैक पीता है, कोई सुल्फा पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई शराब पीता है, कोई और पता नहीं कैसे कैसे नशे चला दिए, जिनके कारण हमारे जवान बच्चे हैं उनके चेहरे सूखे हुए हैं, उनको रोग लग गया, पागल हुए फिरते हैं। क्यों? नशे की जो आदत डाल लेता है उसके बिना वो जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, और इसने उस बर्बादी के रास्ते पे वो नशा हमें ले जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को। उनके माँ बाप जो उनको जन्म लेके सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा होगा, ये आगे चल के हमारी सेवा करेगा, ये हमारे परिवार और ख़ानदान का नाम रोशन करेगा, ऊँचा करेगा, और वो इस बीमारी में पड़ने के बाद में कहाँ का रोशन करना। वो तो माँ बाप से वो काम करवाता है जो उनको माँ बाप के लिए करना चाहिए था। माँ बाप उनके पीछे पीछे भागते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। पैसे की बर्बादी है, सेहत की बर्बादी है, अपनी उसकी समाज में कोई इमेज नहीं रह जाती है ऐसे आदमी की, और फिर भी वो इस बुराई की तरफ बढ़े जा रहे हैं। तो इस बात का हम प्रण करवाते हैं। मैंने कहा, उस थोड़ा टाइम मिला वहाँ पे बोलने का, मैंने कहा था, वो कहने लगे जी थोड़ा इसके बारे में बताओ, बहुत परिवार सुधारेंगे। बहुत परिवार नहीं, हमने तो मुहिम बहुत मुहिम पहले से ही चला रखी है, लाखों लोगों के घर बसाए हैं हमने, बर्बाद होते हुए नौजवान बच्चों को
नया जीवन दिया है, जो इन गलत आदतों में पड़ गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने सत्संग में आना शुरू किया। सत्संग के सुनने से, आने से, और उन्होंने गुरु दीक्षा लेके जब इन चीज़ों का अपहरण कर लिया तो उनका जीवन संवर गया। उनके माँ बाप भी कहते हैं कि जी धन्य हो गए, यहाँ आया नहीं, अपने दिल्ली पुलिस में है बल्लू। इतना बदमाश था, सारे काम करता था। लेकिन मेरा एक बार रानीला गांव का है, उसमें जाना पड़ा मुझे, तो इसका बाप बूढ़ा बेचारा, उसको आंखों से दिखाई नहीं दे, कमर झुकी हुई, कमजोरी, क्यों, औलाद जिसकी ख़राब हो जाए क्या करे। आगे आगे बल्लू होता था, पीछे पीछे पुलिस होती थी। तो वो मैं जब गांव में गया, उसने दर्शन किए, बदल गया। इंसान का वक्त बदलते देर नहीं लगती, क्या पता किस घड़ी में परमात्मा उसको कौन सी अक्ल और सूझबूझ दे दे, जिसके कारण वो लाखों आपदाओं और बीमारियों से बच जाता है। क्या किया, क्यों मेरे पास आया। उसके बाद उसने नाम ले लिया। जब दोबारा जाना हुआ उस गांव में, तो उसके बाप ने पाँव पकड़ लिए, बोले भाई वाह भाई, दिनों दाड़ा महाराज, तेरे जो है खेड़े बसियो औलाद के, तेने मेरा बिगड़ा हुआ लड़का सुधार दिया। इसको सुधारने वाला कोई नहीं था। आज वही है, उसके साथ जो आदमी मिल जाता है ना, उसके पास गुरु की महिमा, सत्संग की महिमा, नाम की महिमा सिवाय चौथी बात नहीं करता। वो पुरानी आदत इंसान की छूटनी बड़ी आदत है, कुछ एक दो गंदी आदत तो उसमें अब भी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, जब भी कोई आदमी उससे मिलता है तो उसके पास ये तीन ही चीज़ों की बात होती है। सत्संगी वही है, ये थोड़ी है कि मिले बैठे तेरा हाल क्या है, कारोबार कैसा है, संतान कैसी है, पूछो, ज़रूरी है ये चीज़। लेकिन ये थोड़ा है कि इधर उधर के गप हाँक के मिले। सत्संगी से सत्संगी मिलता है तो उनकी तो ऐसी होनी चाहिए ना, जिस प्रकार से एक ब्याही लड़की से ब्याही लड़की मिलती है, वो उसके आनंद की और खुशी की बात पूछती है, जानती है और उसको बताती है अपनी। लेकिन एक ब्याही से कुंवारी लड़की मिल जाएगी तो उसको क्या बताएगी कि पति का सुख क्या है, और बिना शादीशुदा को क्या आनंद का पता है। इसलिए आप सत्संगी हो, और जब आपने नाम ले रखा है, आप नाम भक्ति करते हो, ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो, तो जब आपस में मिलते हो तो तुम्हें जिक्र करना चाहिए कि इन बातों का, कि कितना अभ्यास करता है, नाम का सुमरण करता है या नहीं करता है, कुछ तेरा अभ्यास बनता है या नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने कर्म तो सुधार लोगे। जो नियम करवाए हैं, चोरी ना करो, शराब ना पियो, मांस मछली अंडे ना खाओ, तुम दूसरे के हित की बात करो, आदमी स्त्री बरता रहे, स्त्री पति बरता रहे, अरे इंसान का सब कुछ तो सुधर गया, क्या बाकी रहा। यही तो नेकी का रास्ता है, उसी लिए तो कहीं मन नेकी कर ले। नेकी जो इंसान इन आदतों को सुधार लेगा, उसके पास नेकी ही बच जाएगी करने के लिए, बुराई नहीं है फिर वो। अगर इन चीज़ों से बच जाता है, उसका जीवन संवर जाता है, और वो आदमी फिर ये कभी शिकायत नहीं कर सकता कि मेरा भजन नहीं बढ़ता या मेरा नाम का सुमरण नहीं होता। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि जब भी सुमरण के लिए तुम बैठोगे और जब ख्याल करोगे, सुमरण करना चाहोगे नाम का, बातें कुछ और ही याद आएंगी। क्यों आएंगी वो? क्योंकि हमारे हृदय में वो घर करके बैठी हुई हैं, कई सालों से बैठी हुई हैं, कई जन्मों से बैठी हुई हैं। उनको निकालना आसान काम नहीं है, लेकिन उससे निकालने के लिए तो ही गुरु किया जाता है, वहाँ गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए गुरु के संग जाके गुरु को वचन मंत्र करके मान लेना चाहिए। ये गुरु भक्ति की बातें हैं। जो गुरु से प्रेम का नाता जोड़ लिया और ज्यों ज्यों उसका प्रेम बढ़ता चला गया, त्यों त्यों यूँ समझो कि उसके काल कर्म सब कटते चले जाएंगे और भक्ति की ओर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ख्याल करें एक बात का कि प्यार में चाहे कमी कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु के साथ बेअदबी नहीं हो जानी चाहिए। बेअदबी अगर हो जाती है कि अगर कई बार क्या होता है कि साथ रहने के कारण, ज़्यादा कुछ घुल मिलने के कारण बेअदबी हो जाती है, और बेअदबी शिष्य को दुखी कर लेती है, उसको बर्बाद भी कर देती है। इसलिए हमें चाहिए कि गुरु के साथ प्रीत का नाता पक्का जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नाम आशीर्वाद और वो शक्ति वहीं से मिलती है। वो हमारी शक्ति का भंडार है शिष्य के लिए। जो अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास करके काम करता है ना, तो उसके सारे काम बड़े आसानी से होते चले जाएंगे। लेकिन मन के अंदर कुछ और होता है, बाहर दिखावे के लिए कुछ और होता है,
फिर वो आदमी अगर ये शिकायत करता है मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, फिर गलती उसकी है। गुरु को दोष ना दो। गुरु ने कोई किसी प्रकार की तुम्हारे से छिपा के बात नहीं रखी, प्रकट करके बताता है सब कुछ जाहिर में, लेकिन आदमी अपने स्वार्थ के बसंदा हो जाता है, उस आदमी को वो गुरु की बातें अच्छी नहीं लगती। गुरु की बात उसको अच्छी लगती है जिसके गुरु के साथ प्रीत और प्रेम का नाता दृढ़ हो जाता है। तो तीन चीज़ें हैं मुख्य, प्रेम, प्रीत और प्रतीत, जिनका विश्वास। इसमें भी सब एक प्रकार के नहीं होते, कोई लाखों में एक आध ऐसा होता है। और गुरु अगर शिष्य को मिल गया तो कबीर साहब की दूसरी वाणी है, वो कहते हैं अब मैं भूल्या रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, कि मैं भूल गया। क्या भूल गया? दुनियादारी की बातें भूल गया सब, जिन बातों में मुझे शोक आनंद था, खुशी मिलती थी, जिनको अच्छा समझता था, भूल गया। किसने बुला दिया? गुरु ने बुला दिया। कैसे बुला दिया? कि उन्होंने सच्चाई से जब अवगत करवा दिया तो ये झूठे संसार की बातें चली गई। गुरु ने बता दिया संसार में कौन तुम्हारा है, कौन है आपका? हमारा कोई है ही नहीं। कौन साथ निभाएगा? कोई साथ निभाने वाला नहीं है इनमें से। अपने करने के लिए हैं, देखने सुनने के लिए हैं, दुनियादारी के कामों के लिए हम एक दूसरे से बंधे हुए ज़रूर हैं, लेकिन आत्मिक रूप से कोई किसी की कोई मदद नहीं करता, कोई किसी की मदद नहीं करता। इसलिए मन के झमेले में पड़ के हम इनको अपना, माया के खेल के कारण हमारी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, इनको अपना मान लेते हैं, ये अपने नहीं। तो उन्होंने क्यों कहा कि मैं कैसे भूल गया? उन्होंने कहा क्रिया कर्म आचार में छोटा छोटा तीर्थ का नहाना, सारी दुनिया भई सियाणी में एक बोराना, बोराना बेवकूफ, कि मैंने क्रिया कर्म दुनियादारी के छोड़ दिए, पूजा पाठ आरती यज्ञ हवन इधर उधर के, चल मत्था टेक लो, कहीं भी चार ईंट रखी है वहीं पे चल दिए मत्था टेकने के लिए, क्या मिल गया उन्हें? व्रत रख लिए, झूठे व्रत। किस चीज में तुम सच्चाई मानते हो? क्या उनको मिलता है? लौकिक बातें हैं, आदमी खुश हो जाता है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, लेकिन रूह के लिए उसमें कोई कुछ भी नहीं किया हमने। जब रूह के लिए कोई कुछ नहीं करते हैं तो हमने कुछ नहीं किया। इसलिए कही कि वो क्रिया कर्म मैंने छोड़ दिए, जिनको दुनियादारी के लोग करते हैं, तो मैं अकेला अगर उल्टा करता हूँ तो मैं बेवकूफ़ माना गया। लेकिन सबसे ऊँची बात आगे चल के कही कि जो आदमी दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी, जो दया जिसके दिल में होती है, धर्म की जो पालना करता है और संसार से उदास हो जाता है। तीन चीज़ें बता दी, ये भक्ति का सफलता के सबसे सरल और सुंदर तरीके हैं, कि दिल के अंदर दया होनी चाहिए, धर्म की पालना करने वाला होना चाहिए और जग से उदास होना चाहिए। जग से उदासी का मतलब ये, जग में रहते हुए हमारी जिम्मेवारी से नहीं भागना। जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारे काम है, वो हमें सब करने ही चाहिए। अगर उन जिम्मेवारियों से भागते हैं तो हम और भी ज़्यादा कर्जदार बन जाते हैं, क्योंकि हम कर्म के कर्जदार दुनिया में ये शरीर धर के आते हैं, और वो कर्ज अगर इस जन्म में नहीं उतारते हैं तो वो कर्ज यूं का यूं हमारे सिर पर आगे से आगे चलता रहता है और हमें जन्म मरण के रोग में फंसते ही चले जाते हैं। कभी ऊंची योनि में जाते हैं, कभी नीची योनि में जाते हैं, कर्म भोगते जाते हैं, कभी दुख में कभी सुख में। कर्म का स्वरूप जैसा होता है वैसी योनि आगे मिल जाती है, वैसे वैसे दुख भी भोगते हैं। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिनको खाने को टुकड़ा भी नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं पैदा होने से पहले ही उनका सब कुछ अच्छे से अच्छा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कार हवाई जहाज बैठने के लिए मिलते हैं, लेकिन उनके दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको रिक्शा जैसी गाड़ियां खुद अपने शरीर से खींचनी पड़ती हैं दूसरों को बैठा के। कर्म कर्ज, इसलिए उसे कर्ज को जो इंसान समझ जाता है, कोई पिता बन के कर्ज चुकाता है, कोई बेटी बन के कर्जा उगा लेती है, कोई बेटा बन के कर्जा ले लेता है, कोई जमाई बन के उस पर कर्जा चढ़ाता है, अनेक प्रकार के ऐसे काम हैं। लेकिन सत्संगों में जब आते हैं और गुरु जब उपदेश करके वो सच्चाई बताता है, वो कहता है कर्म से मत भागो। जग से उदास होने का मतलब है जग में रहते हुए जग के ना रहो। जिस प्रकार से
जल में रहने वाली मुर्गाई जल में रहती है, और जल में रहते हुए जब उसको बाहर निकलना होता है तो जल से ही वो सीधी निकल जाती है, जल से ही उड़ जाती है। नहीं तो पंख भीग जाते हैं, और पंख भीगने के बाद कैसे उड़ सकता है? लेकिन उसके पंखों में पानी का असर नहीं होता। इसीलिए इस दुनिया में रहते हुए हमें अपने आप को इस तरह से बचा के रखना चाहिए, उन कर्मों का असर हमारी ऊपर नहीं होना चाहिए, ताकि संसार से हम जाएं तो अकेले ही जाएं। आए भी अकेले थे, लेकिन कर्म साथ लेके आए थे। परंतु हमारा साथ देने वाला कौन है? गुरु। गुरु को अगर साथ ले लेंगे तो एक कठिन रास्ता है, परंतु बाधाएं बहुत होंगी, परीक्षाएं बहुत देनी पड़ेंगी, आसान काम नहीं है इस रास्ते पे चलना। जिस दिन से भक्ति के रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे ना, अनेक प्रकार की परेशानियां आपको घेर लेंगी। ये दुनिया ही तुम्हारे अपने मित्र ही, तुम्हारे परिवार के लोग ही तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता काल के ये जीव यहाँ से निकल जाए। जहाँ जहाँ संतों का सत्संग होता है, काल वहाँ दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है, वो देखता है आज कितने जीव निकलेंगे। संत इस संसार में जीवों के उद्धार और कल्याण के लिए आते हैं, और उन जीवों को उनके कर्म का रूप स्वरूप समझा के, उनसे अच्छी करनी करा के, भक्ति का उनको रास्ता दिखा के, बल्कि उनके अंग संग्रह के भक्ति करवाते हैं। जो गुरु के वचन को मान के उनकी आज्ञा में चलता है, वो सब अपने कर्म से बरी हो जाता है और निर्भय और निश्चिंत होकर अपने देश को वापस लौट जाता है। लेकिन गुरु सिखाता है कि मन में दया हो, जिसके दिल में दया है वो धर्म की पालना करेगा, दया रख धर्म को पाले। जिसके दिल में दया नहीं हो क्या धर्म की पालना करा? धर्म कौन सा है? धर्म सिर्फ ये नहीं है कि तुम मानते हो कि मैं बुद्ध धर्म को मानता हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं सिख धर्म को मानता हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुस्लिम धर्म को मान, ये धर्म नहीं है, ये मजहब है, ये मान्यताएं हैं। धर्म तो एक ही है, उसे मालिक को याद करना और उसकी आराधना और पूजा करना, वही धर्म है। ये तो फिरके हैं, अलग अलग हैं। जो संत महापुरुष पैदा हुए आए, उन्होंने प्रचार किया, उनके नाम से जो चल गए वो धर्म का है। नहीं, धर्म ये नहीं है। धर्म इंसान जिस भी हालात में है उसका धर्म ही अलग है। अगर पिता के रूप में है तो पिता का धर्म निभाना सीखो। पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य हैं, पुत्र के प्रति क्या हैं, पुत्र वधु के प्रति क्या हैं, लड़की के प्रति क्या हैं, संसार के प्रति क्या हैं, रिश्तेदार नातेदारों के प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व हैं। जो इन चीज़ों को समझता है वो धर्म की पालना है, और वो सारे के सारे आदमी को सच्चाई और ईमानदारी से करे तो निश्चित रूप से उसका हृदय पवित्र होता चला जाता है। अच्छे कर्म करने वाले का शुद्ध हृदय होगा, और शुद्ध हृदय जिसका होगा, मैं कहता हूँ उसको चाहे दो मिनट भी बैठोगे तो भी तुम्हारा ध्यान लगेगा। सच्चे मन से जब मन पवित्र हो जाएगा तो चाहे आप चलते चलते भी आपका ध्यान लग जाएगा, दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं रहेगा। और सोचते सोचते कोई कहेगा तो कहोगे मेरा ध्यान नहीं था इधर, क्योंकि मन में जो ख्याल चलता है, जो रात दिन काम करते हो तुम्हारा ख्याल वहीं से जुड़ जाता है। परंतु सच्चे होके रहो। संतों का मार्ग बड़ा कठिन है, धर्म की पालना करना और दिल में दया रखना। दया किसके प्रति? कमज़ोर के प्रति, दुर्बल के प्रति, कोई भी किसी प्रकार से किसी पीड़ा में हो उसके प्रति दया रखना। जो सहायता तुम कर सकते हो तन से मन से धन से उसकी सहायता करना। जो इन चीज़ों को अपना लेता है धर्म का पक्का है वो उनके लिए है। कबीर साहब है कि दया राग धर्म को पाले, जग से रह उदासी, और अपना सा जीव सबन का जाने ता ही मिला विनाशी। जो ये सोच ले कोई भी काम करने से पहले कि मेरा भी मन है, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो क्या होगा, वो आदमी कभी बुरा नहीं कर सकता। लेकिन अपने आप को तो तुम अच्छा सुखी देखना चाहते हो और दूसरे के प्रति आपकी कोई भावना ही नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमात्मा को प्राप्त करने का और भी सीधा रास्ता उन्होंने बताया। उन्होंने कहा ना हरि रिजय धोती छोड़े, ना पांचों के मारे। ना तो परमात्मा पांचों इंद्रियों के मारने से, कौन सी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको मारने से परमात्मा नहीं मिल जाता, और ना ही धोती वस्त्र त्यागने से मिल जाता है। अगर वस्त्र त्यागने से मिल जाए तो सारे पशु जंगल में घूमते हैं, जानवर ये पार हो जाते नहीं।
या वस्त्र रंगने से पार होते तो हमारे से पहले अपनी माताएं सब पार हो जाती। आदमी बेशक रहे क्यों अनेक प्रकार के रंगीन कपड़े हैं, इनके तो बहुत रंगे हुए, तो वस्त्र रंगने से कुछ नहीं हो जाता, मन रंगने से होगा काम जो होगा। इसे कही ना हरी जय जब तप की ने ना काया के जा रे, क्या कह दिया, ना जब तप की ने भी नहीं और ना काया के जा रे। कहने का मतलब है अगर तुमने ढूंढने लगा कि शरीर को कष्ट दे दिया, इसको इसका शरीर का दुख क्या है, शरीर का कसूर क्या है, शरीर में जो रहने वाली चीज है मन है, वो मन करता है बदमाशियां, तो मन को तो काबू नहीं करते, शरीर को कष्ट देते हो, कितने धुनों में तपते हो, कितने तुम यज्ञ हवन करते हो, लेकिन मन काबू में नहीं आया, आशा विचार नहीं बदले आपके। विचार जब तक आपके नहीं बदलते हैं, चाहे लाख क्रियाएं करो दुनियादारी की, क्या फ़ायदा होगा, चाहे लाख सत्संग सुनो तुम्हें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, लाख तुम नाम नाम का जिक्र करे जाओ कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो फ़ायदा तुम्हें किस चीज़ में होगा, जो बात कही है उससे, ना हरी री जय जब तक कि ना काया के जा रे, ना हरी री जय धोती छोड़ डर ना पांचों के मारे, ना इनके पांचों के मारने से, ना कपड़े छोड़ने से, ना जब तप करने से परमात्मा रिझता है, परमात्मा रिझता है शुद्ध हृदय रखने से। और वो कैसे होगा कि नित्य प्रति कोई काम करने से करते 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 जाओगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम काबू आ जाएगा। इसीलिए कहिए करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तो सिल पर गिरत निशान। अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है, अभ्यास करना चाहिए, सारी चीज़ों को भूला करो, प्रभु के नाम का सुमरण करना, ध्यान करना, अभ्यास करना कभी ना भूलो, वो हमारी सबसे मुख्य चीज़ है। अगर ऐसा नहीं करते वो किसी को ना दिखानी है, जो नाम भक्ति करते वो तुम्हारे लिए है, वो परिवार के किसी आदमी को नहीं मिलती है, ना किसी रिश्तेदार को तुम दे सकते हो, तुम्हारे लिए है। दुनियादारी के काम जितने भी करते हो तन से करते हो उनके होंगे, मन से करते हो उनके होंगे, उनके बारे में भला बुरा अच्छा जो भी सोचते हो, उनके कोई भी बातें जो करते हो, शिक्षा देते हो, उनके होंगे, वो कर सकते हो, धन से भी उनके कर दोगे, लेकिन मन तुम्हारा अपना ही होगा। मन के माध्यम से ही आप रूहानी काम कर सकते हो। मन जिसका विचलित है, मन जिसका रुका नहीं है, ये मन जिसका भागता फिरता है, तो ये बड़ा जालिम है। ये इसने बड़े बड़े संतों महात्माओं फकीरों को जिन्होंने पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी, उनको भी धड़ाम देसी आकाश पे चढ़े हुए गिराने में देर नहीं की। कही है साधो मन है बड़ा जालिम, जिसका मन से पड़ा वास्ता उसी को है मालूम। इस मन से वास्ता हम डालते ही नहीं, हम तो मन के कहे में चलते हैं, मन जो कहता है वो करते हैं। मन ने कहा खा लिया, मन ने कहा सो गए, मन ने कहा काम किया, मन ने कहा ये नहीं करना तो नहीं करना। मन ने दी गति कहीं ना जाए, मन की गति का कहा ही नहीं जाता ये क्या करता है, क्या चाहता है, क्या कर देता है। इसलिए मन पर नज़र रखनी है। इस मन को जिसने सुलझा लिया, मन अब काबू कैसे आए, सवाल कर सकते हो मन काबू कैसे आए, कमज़ोर के आदमी को तो काबू आएगा नहीं। इस मन से ताकतवर कौन है, गुरु, गुरु गुरु के अधीन कर दीजिए इसको। कहते हैं ना कि गुरु को तन मन धन दे दिया, तन मन धन गुरु की आज्ञा में खर्च करना चाहिए, गुरु की आज्ञा के बिना काम नहीं करना चाहिए। गुरु की सहमति, गुरु की आज्ञा लेके अगर करते हो तो उसमें तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हारा मन का काम नहीं हुआ, तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहा। जिस दिन से गुरु से दीक्षा ली, मन गुरु का हो चुका, इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं रह गया कि उस मन से तुम अपनी मर्जी से काम करो, लेकिन करते हो। गुरु के कहाँ बने, दिखावा है, छड़ावा है, ये मन बहुत बड़ा छड़िया है, छड़ लेता है, ये बड़े बड़े छड़े इसने बहुत, ये और तरह का है, करवा देता है बड़े से बड़े को, बड़े से बड़े को गलती करवा देता है, और जितना बड़ा बनता है उसकी परीक्षा भी उतनी बड़ी होती है, और उसको गिरा लेता है किसी न किसी रूप में। कबीर साहब का एक शिष्य था कमाल खां, बहुत ऊंची ऊंचे दर्जे का अभ्यास करने वाला था, नाम की कमाई की, कबीर साहब की नज़र में बहुत अच्छा था। कबीर साहब ने उसको कहा कि भाई चलो
तेरे को अधिकार दे दिया, तू अभी नाम की दीक्षा दिया कर। बड़ा अच्छा था, नाम देना शुरू कर दिया, दक्षिण दिशा की ओर चला गया। वहाँ गया, नाम का प्रचार, गुरु मत के सिद्धांत, जो शिक्षा कबीर साहब की थी, सत्संगियों में आम लोगों में प्रचार प्रसार शुरू किया। देखते देखते बड़े लोग सत्संगों में आने लग गए। बड़ी अच्छी बातें थी, जो चीज़ें इंसान के जीवन को संवारती हैं, समाज को अच्छी दिशा देती हैं और जो बुराइयों को मिटा देती है, वो सबको अच्छी लगती हैं। धीरे धीरे करके सत्संग इतना फैलता चला गया कि वहाँ के राजा का एक वजीर था, दरिया खां जिसका नाम था, उसने भी सत्संग में आके बैठना शुरू कर दिया। जो जो सत्संग सुनता गया, उसके भी विचार बदल गए। हालांकि वो मुस्लिम धर्म का मानने वाला था, उसने भी कमाल साहब से नाम की दीक्षा ले ली। अब नाम की दीक्षा तो उसने ले ली और था भी बड़ा पक्का, गुरु पे यकीन भी उसका दृढ़ था और बहुत विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ सत्संग में आता सुनता, जीवन उसका अभी पूरा बदल गया। लेकिन आदमी को थोड़ा सा भी यूँ समझो कि आप भी सत्संगी हो, थोड़ा सा मान बढ़ाई मिलनी शुरू हो जाए, थोड़ी सी इज्जत मिलनी शुरू हो जाए, थोड़े से लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लग जाएं, तो समझ लो कि काल ने दाव चला दिया है। काल दाव चलाता है, ऐसा बना देता है, फिर वो आदमी दूसरे से आशा रखनी शुरू कर देता है कि ये मुझे इज्जत देगा, ये मुझे सलाम करेगा, ये मुझे प्यार करेगा, ये कुछ नहीं है, मैं बहुत ऊंचा चढ़ गया। ऐसे करते करते जो दूसरे धर्म के लोग थे, मुसलमान धर्म में मानने वाले जो मुल्ला वगैरह थे, उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि ये आदमी है, ये कमाल साहब, इसने तो बड़ा गलत कर दिया, हमारे समाज में प्रचार उल्टे सीधे करता है, ये तो पूजा पाठ की बात बताता है, अल्लाह के बारे में कुछ नहीं कहता, धर्म भ्रष्ट होते जा रहे हैं लोग, और ये तो हमारा सारा का सारा इसने काम बड़ा ख़राब कर दिया। शुरू हो गया काम वहाँ पे। जब इस बात को देखा तो राजा ने हुक्म दे दिया उनकी बात मान के कि इसको कुएं में डाल दो और कुएं में डाल के पत्थर मारते रहो इस पे जब तक ये मर नहीं जाता। लोगों ने पकड़ के उसको कुएं में डाल दिया कमाल साहब को और पत्थर मारने शुरू कर दिए, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोए, बाल न बांका कर सके जो जुग बैरी हो। बाल भी बांका नहीं कर सकता जिसका रखवाला प्रभु है, जिसका सतगुरु रखवाला है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम सतगुरु के बनते नहीं, सतगुरु के अगर बन जाएं तो हमें परवाह नहीं है, निर्भय हो के खेलो। फिर हम तो अपने बने रहते हैं, अपने बने रहते हैं तो भाई ये दुख तकलीफ तो होंगी आपको ही। गुरु के होके देखो, फिर पता लगेगा कि तकलीफ आपको होती है या गुरु को होती है। कमाल साहब को इस चीज़ की परवाह नहीं थी। कुएं में था, लोग पत्थर मारते, पत्थर लग के नीचे चले जाते, ऊपर आ जाता, पत्थर उसको लगते ही नहीं थे। अब वो बात फैलती फैलती दरिया खां के पास भी गई। अब हुक्म राजा का, कोई आदमी बोला एक भी नहीं बचेगा, कोई बचेगा उसको बहुत सख्त सजा मिलेगी। अब दरिया खां ने सोचा मैं क्या करूं, अगर मारूंगा तो बेअदबी होगी, ये तो बहुत बुरी बात है कि गुरु को मैं पत्थर कैसे मारूं, गुरु हो गया मेरा तो, अगर नहीं मारूंगा तो राजा मुझे मरवा देगा। अब बड़ी उलझन होगी उसके सामने। सोचता रहा सोचता रहा, पूरा दिन निकल गया। उसने आखिर उसके मन ने उसको कहा कि तू ऐसा कर, शाम के टाइम जाके अंधेरा हो जाए फूल मार देना। ये फूल है ना, फूल, ये फूल किसी को भेंट करना बड़ा प्यार का प्रतीक है, प्यार देता है। लेकिन फूल ये किसी को मार दे तो घोड़े का काम भी करता है। तुम किसी की तरफ फूल फेंकते हो ना, तोड़ तोड़ के अगर किसी की आंख में लग जाए अंधा हो जाएगा। कभी फूल तो मारने नहीं चाहिए, फूल अर्पण करने होते हैं। इस फूल में प्यार छिपा होता है। आदमी जब फूल देता है कहता है कि मैं फूल की तरह आपको प्यार देता हूँ, आप भी मुझे फूल की तरह ही प्यारे लगते हो और आप भी ऐसे ही रहना, इसका मतलब ही ये होता है। क्या क्या उसने फैसला किया कि मैं तो फूल मार दूंगा, अंधेरे में किसको पता
पत्थर मारा, फूल मारा, गुरु तो समझ लेगा फूल मारा है शिष्य ने, और गुरु तो समझ लेगा कि हाँ उसने तो इज्जत सम्मान किया है, लेकिन दूसरे लोगों को हो जाएगा कि शिकायत नहीं करेंगे, पत्थर मार दिया, अंधेरा हो गया। कमाल साहब को कोई परवाह नहीं थी लोगों ने पत्थर मारे, लेकिन जब दरिया खान ने अंधेरे में फूल मारा उसको, फूल मारते ही बेहोश हो गया, बेहोश हो गया फूल की चोट से, पत्थरों से नहीं हुआ। बाहर निकाला दरिया खान ने, बाहर निकलवाया, डॉक्टरों से दवाई दिलाई, पानी के छिड़के दिए, होश में आया। कहने लगे जी क्या हुआ? बोला कि तेरे पत्थर, ये जो फूल की चोट थी उससे बेहोश हो गया। बोला जी लोगों ने पत्थर मारे उससे कुछ नहीं हुआ मेरे फूल से? बोला अरे ये तो बेवकूफ़ थे, इन लोगों को पता नहीं मैं क्या हूँ, इन लोगों को ये ज्ञान ही नहीं था मैं क्या हूँ। सत्संगों में आने वाले रहने वाले लोगों को भी नहीं पता कि गुरु क्या होता है। गुरु को परखने के लिए दिल की आंखें खोलनी चाहिए। जिनके हृदय में वो प्रकाश होता है वो गुरु को पहचानता है, नहीं आम लोग तो गुरु को आदमी मानते हैं अपना जैसा। और कबीर साहब कहते गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार मर आ गई यम का फंद। गुरु को मानस जानते चरणा मत को पान, से नर नरकी जाएंगे जन्म जन्म हो सुहान। कि वैसे लोग नरकों में जाएंगे जन्म जन्म, कुत्ते की योनि मिलेगी उनकी। मैं नहीं कहता, कबीर साहब कहते हैं, उनकी कही हुई बात बताता हूं मैं तो, संतों की बात से मेल मिला के। बेहोश हो गया, चलो श्राप दे दिया कि दरिया खां जा तुझे बहुत यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तराई तराई करने लगे जी मेरा कसूर नहीं था, क्या करूं, कुछ भी हो गुरु ने कह दिया, बच नहीं सकता। अनुला उस राजा को जिसने मुझे कुएं में डालने का हुक्म दिया था, उसके सारे घर मकान राज्य में बिच्छू और सांप हो जाएंगे, पूरे महल में बिच्छू और सांप हो गए। राजा घबरा गया, घबरा के कहने लगे ये क्या हुआ? किसी ने बताया महापुरुष को जो तकलीफ दी थी उसका कारण है ये। और इतना कह के कमाल खां काशी जी की तरफ चल दिए, कबीर साहब काशी जी में रहते थे। बस वहाँ से जब राजा ने देखा, बोला कि उसी से जाके अगर तू माफ़ी मांग लेगा तो ये ठीक हो सकता? नहीं नहीं ठीक होगा, बेअदबी का कारण है ये, गुरु से बेअदबी करी हुई बहुत भारी होती है। लेकिन गुरु तो कृपा ही बरसाता है, गुरु किसी को दुख कष्ट नहीं देता। अगर गुरु किसी को कष्ट और दुख देता है वो गुरु नहीं है, ये भी बताऊं मैं। ये कलयुग के गुरु हैं ना, ये आग बबूला हो जाते हैं मनमा, किसी को अनाप शनाप बोलते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, और उनकी जबान पे कुछ का कुछ अग्नि बरसती रहती है। ये महात्माओं के काम नहीं होते। महापुरुष उसको जानो जिसके साथ बुरा करोगे तो भी वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो राज को जानते हैं, समझते हैं कि मेरे साथ जो करेगा वो भर लेगा, मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। कमाल साहब ने चल दिए काशी जी की तरफ, पीछे पीछे राजा ने खच्चर ऊंट घोड़े लदवाए हीरे जवाहरात सोने चांदी के, और चल दिया पीछे पीछे जाके काशी जी में कबीर साहब के पैर पकड़ लिए कि कबीर साहब मेरे गुनाहों को माफ़ करो, मेरे से बहुत गलती हुई है और उस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। इस तरह से आपका शिष्य था उसके साथ मैंने ऐसा किया जिसके कारण मैं तो सब कुछ मेरा खो गया, बर्बाद हो गया। आप संत हो, बख्शनहार हो, बख्शो, दया के सागर हो, आप तो पापियों को भी माफ़ करते हो। बोले भाई बात क्या है कि इस तरह से कमाल साहब के साथ में बात हुई थी और ये बात हुई। कमाल साहब आ गए, उससे कहने लगे चलो जा तुझे तो बख्शा। मैं बोला जी भेंट में ये ले आया हूँ, हीरे जवाहरात मेरा, मिट्टी है गरीबों में बांट देना, ले जा, हमारे काम की नहीं है ये हमारे काम की नहीं है, ये व्याधि है, ये बीमारी है, ये रोग है, ये दुनियादारों को लूटने वाली चीज़ है। इसीलिए तो बोले बार बार मैंने कितनी बार समझाया कहा कि ठगनी है ये, लुटेरी है ये माया, ये बड़े बड़ों की बुद्धि को हर लेती है, ये गुरु से नाता ये तुड़वाती है, परिवार से ये तुड़वाती है, भाई से भाई का दुश्मन ये बनवाती है, तो ये नरकों में ले जाने वाला काम करती है, ये नहीं चाहिए हमें।
ये जिसको मिल गई उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बोला ले जा इसको उल्टा वापिस कर। और बोला कि बात सुन, तुझे तो माफ कर दिया, मैं तो माफ कर दूंगा, कोई कुछ नहीं, लेकिन गुरु का झटका हुआ माफ नहीं होता। गुरु ने झटका है तेरे को, उसका किया था, उसकी बेअदबी की थी, लेकिन उसको भी मैं ये कहता हूँ आज से उसको गुरुवाई का हक नहीं है, वो आज के बाद गुरुवाई नहीं कर सकता। संतों का ये काम नहीं है। संत अगर दुनियादारी के लोगों को उनके पाप कर्म देख के, उनकी बिना बुद्धि की सोच के कारण कुछ बोलने से कहने से अगर संत अपना संतुलन खो बैठे और वो कुछ गलत उल्ट सीधा बात करें, अरे संत तो उनको संताप से बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए, भूत प्रेतों की योनियों से निकालने के लिए आते हैं, और उनको इस तरह के श्राप थोड़े देते हैं। कमाल खां व्यागे के लिए गुरु नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उसको। और कमाल खां को आदेश दिया कि जब तक ये दरिया खां अगर नरकों में भी रहेगा तुझे इसको साथ रहना पड़ेगा, जब तक इसका उद्धार और कल्याण नहीं हो जाता तब तक तू इसके साथ ही रहेगा, इसका उद्धार होने के बाद ही तू अपना जीवन बदल सकता है। तो संत इस प्रकार से किसी को दुख और कष्ट देने के लिए नहीं, उनके जीवन को बनाने और संवारने के लिए आते हैं। और कहने लगे कि तूने जो है कमाल साहब के तेरा गुरु था उसके साथ जो बेअदबी की है तू उससे बच नहीं सकता, उससे तू नहीं बच सकता, क्योंकि कर्म की मार रुका न पुकार। जो इंसान कर्म बना लेता है उस कर्म को कोई नहीं मेट सकता, कर्म से कोई नहीं मेट सकता। कर्म बन गया, उसकी हालत यह है जैसे पत्ता पेड़ से टूट के गिर गया, फिर वो पत्ता लगाने की कोशिश करो, ये टूट गया, इस कितनी कोशिश कर लो, कितना पानी डालो, कितनी खुराक, फूल तोड़ के तुमने जो डाल दिया ना, ये फूल दोबारा नहीं लगेगा, खत्म है। इसलिए इंसान का जीवन बहुत बहुमूल्य जीवन है, हम समझते नहीं हैं, मिला है सोचते हैं, भूल है इंसान की, चौपट है। कितना भी ज्ञानवान है, कितना भी समझवान है, कितना भी विद्वान है, कितना भी अच्छा विचारक है, लेकिन जब तक दुनिया में जीता है तो सोचता है मैं ही रहूँगा, सृष्टि के अंत तक रहूँगा मैं, और किसी ने उन्हें नहीं रहना, ये जाने वाले ये हैं, मैं तो रहने वाला हूँ। लेकिन देखते ही देखते वो टाइम आ जाता है, चला जाता है, ये जीव मुसाफिर है इस संसार में। इसलिए उस मौत से पहले अगर ये मरना सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है। और संत वो जीने से पहले मरना सिखाते हैं, और वो मरना रोज़ रोज़ के जीवन में होता है। और मरना किस प्रकार से अपनी रूह को इस सतुल शरीर से निकाल के और उन सूक्ष्म रूहानी मंडलों में ले जाओ अपनी सूरत को, हर सत्संगी को पता लग जाएगा, जाने से पहले पता लग जाएगा कि तुमने अपनी सूरत को, अपनी रूह को कहाँ तक, किस दर्जे तक पहुँचा दिया है। बल्कि जब अंत टाइम आएगा तो आप टाइम के जाने से पहले रूह को पहले भेज चुके होंगे, जैसे स्वामी जी महाराज ने जाने से 2 साल पहले ही अपनी रूह को भेज दिया था। सत्संगियों के आग्रह करने पर रुके थे, कह दिए थे कि चलो अब मैंने रूह को तो भेज दिया, मैं अगर रुकूँ भी गया तो किराए का मकान है। ये हमारे कामों में है, इंसान ने बहुत कुछ खोज कर लिए, लेकिन अपने अंतर की खोज अगर ये कर ले तो उसके प्रभु के दर्शन इसको यही मिल जाए, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है उसको। आप इस बात को मान लेते कि ये आम कहने की बात होगी कि तुम्हारे अंदर में खोज लो, अंदर में क्यों बता दिया, अंदर में इसलिए बता दिया जो कण कण में है, उस कण कण में खोजने में कहाँ जाओगे, इस कण में खोजोगे, इसमें खोजोगे, इसमें खोजोगे, लेकिन एक ही कण है वो तुम्हारे अंदर में, जिसकी खोज का रास्ता एक है और ठिकाना भी एक ही है। जब अंदर में जिस 10वें रास्ते पे चलोगे वो गड़ी वहाँ गुप्त खजाने की ओर जाती है, और उस खजाने में, उस कण में मौजूद है वो, जिसका जहूर तो हर जगह फैला हुआ है, कण कण में है वो, लेकिन उसकी वास्तविकता हमारे अंतर में ही छिपी हुई है। उसकी खोजना अभ्यास के द्वारा करनी पड़ेगी। गृहस्थी आदमी हो मैं मानता हूँ इतना अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे लिए तो इतना भी बहुत है
कि अगर उन नियमों का दृढ़ता के साथ पालन किया जाए, अपने जीवन को अच्छे और पुण्य कर्म करके पवित्र बनाया जाए, आपस में प्यार प्रेम का जीवन बिताया जाए, घरों में बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा की जाए, उनसे प्यार से मीठी जबान से अगर बात कर ली जाए, तो उनके दिल में तुम्हारे प्रति जो प्रेम उमड़ेगा, वो अपने सच्चे दिल से, अपने कहते हैं ना कि आत्मा से, मन से, पवित्र मन से तुम्हें वो दुआ देंगे, वो दुआ ही तुम्हें निहाल कर देगी, तुम्हारे पापों को दग्ध कर देगी, मिटा देगी। सुखी जीवन जीवोगे तुम गृहस्थ में रहते हुए, अपना जीवन सुखी जीवोगे, मन में तुम्हारे शांति होगी, दूसरों को भी सुख दोगे। जब तुम्हारा मन सुखी है, तुम्हारे घर परिवार में सब अच्छा है, तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। लेकिन जिस घर में कुमती है, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन घरों में निंदा चुगली होती है किसी की भी, जिन घरों में बुराई की जाती है, निंदा चुगली, किसी दूसरे का नाम लेके उनकी बातों का जिक्र करना, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। टाइम भी बर्बाद करते हो, बोलने की शक्ति भी ख़त्म करते हो, और उनका जिक्र करके उनके तो पाप काट देते हो, लेकिन वो पाप अपने सिर ओढ़ लेते हो, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो पाप कर्म तो तुम याद करते हो। अरे भले आदमी, जिसका जिक्र करने से तुम्हारा तो कुछ हित नहीं होता, तुम्हें कोई ज्ञान शिक्षा नहीं मिलती, तुम्हारा समय बर्बाद, दूसरे की बुराई तुमने खामखा बेकार में ओढ़ ली। जिन घरों में, जिन बैठकों में बुराइयां होती हैं, देख लेना कुछ दिन में वो बैठक खत्म हो जाती है, नहीं रहती वो बैठक, आजमा के देख लेना, देखे भी होंगे आप लोगों ने। जिन घरों में होती है वो घर बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उन घर के बच्चे सुनते हैं कि क्या बुराई करते हैं, उन बच्चों बिना बताए बिना कहे ही बुरे लगने लगते हैं लोग। जहाँ गुरु की बुराई होती है, गुरु बुरे लगने लगते हैं, सत्संग की बुराई होती है, सत्संग बुरे लगने लगते हैं, उनके माँ बाप और वो सारा का सारा घर परिवार बिगड़ जाता है। इसलिए कही कि जहाँ कुमती वहाँ दुख नाना, इस प्रकार के जिक्र जिन घर परिवारों में होते हैं, वहाँ कुमती है, बुरे विचार हैं वहाँ, पाप कर्म है वहाँ, तो नाना प्रकार के दुख हैं। और जिन घरों में सुमती है, अच्छे विचार हैं, मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे का अदब करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग का इज्जत मान रखते हैं, प्यार प्रेम से बात करते हो, वो दुख दर्द में उनकी पीड़ा में सहायता करते हो, जब वो उनसे खुश होते हैं, तो उस घर में मैं कहता हूँ ना तो टोटा आएगा, लक्ष्मी उनके घर में आके बैठ जाएगी, कैसे निकलेगी, वो नहीं जा सकती, वहीं रहेगी। वो परमात्मा ने कुछ कहा मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, अगर बल्कि नारद जी ने पूछा एक बार, नारद जी घूमते 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 पूरा घूम आए, घूमने के बाद देखा जाके शिकायत की, बोला कि मैं कहाँ कहाँ नहीं गया आपको ढूंढने के लिए, आप मिले ही नहीं, कितने दिन हो गए आपके दर्शन किए। बोला कि तेरी गलती है भाई, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता था। कबीर साहब ने भी उसी बात को दोहरा दिया, अरे मुझे कहाँ ढूंढता फिरता था तू, मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूँ, किसी भगत से बात कर लेता वहीं मिल जाता। कबीर साहब ने कही मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कहाँ ढूंढते हो मुझे, ढूंढने के लिए कंदराओं गुफाओं जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, यज्ञ हवन पूजा पाठ धुणों में तपने की जरूरत नहीं, जो धुणी तपने वाली हैं, यज्ञ हवन हैं, वो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे खोटे मंदे विचार की अग्नियों को बुझा लो, अपने बुरे विचारों को निकाल दो, गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास और यकीन रखो, गुरु ने कह दी इस बात को मंत्र मान लो, और उन बातों को मान के दृढ़ता के साथ पालन करो, फिर देखो तुम्हें कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा, गुरु अंग संग तुम्हें साथ दिखाई देगा, गुरु चाहे हाजिर देह में ना होगा तो भी सूक्ष्म रूप में तुम्हारे साथ होगा, हमने साक्षात रूप में देखा, इसलिए कहता हूँ मैं, मेरा गुरु तो मेरे अंग संग साथ रहता है, तुम्हारा नहीं होता होगा, तुम जानो, क्यों जानो, कि मैं कभी दूर जाने ही नहीं देता, मेरे से दूर जाते ही नहीं है, जब मेरे दूर नहीं जाते तो मेरी रखवाली भी आप करेंगे, संभाल भी आप करेंगे। अरे ये तो इंसान तो गलती का पुतला है, इस काल माया के देश में विचरता है, तरह तरह की बातें होती हैं, ये तो एक मिनट में भूल जाएगा, एक मिनट में गिर जाएगा,
काम के बस ये होगा, क्रोध के बस ये होगा, लोभ के वशीभूत ये हो जाएगा, मोह और अहंकार तो इसमें लगा ही रहता है, लेकिन गुरु को साथ लेके चलोगे ना, इन कुत्तों को दूर कर देंगे। एक छोटी ही पतली ही छड़ी से जैसे ये गांव में आने वाली जो घुमक्कड़ जाति वाले आते हैं ना, कुत्ते जब पीछे होते हैं वो क्या बेचारे बाण ले रहे हैं ना, एक पतली सी वो से छड़ी सी वो उनकी तरफ यूँ करते, कितना ही बुरा कुत्ता नज़दीक नहीं आता। तो इसलिए गुरु का इशारा ही होता है, और गुरु हमेशा अंग संग अपने साथ रखो, सूक्ष्म रूप में हृदय में बसा लो, गुरु तुम्हारे सारे काम संभालेगा, सारे काम करेगा, लेकिन तुम भूल जाओगे तो गुरु तुम्हारे से पहले भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा? गुरु की जरूरत नहीं है, जरूरत हमारी है। बल्कि कबीर साहब ने कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई, गुरु सबको चाहता है, मैं सबका हित चाहता हूँ, मैं गुरु तो नहीं लेकिन सबका हित चाहता हूँ, लेकिन गुरु को चाहे न कोई। गुरु को न चाहने का मतलब गुरु की बात तो नहीं मानते न। मैं कहता हूँ ये इतने लोग मेरी सारी बात ये मान लें, और सत्संग चाहे कभी ना सुनियो, इस सत्संग की सारी बात आप मान लोगे, मेरे पास गारंटी करवा लो, वही सारा देश तिर जाएगा। क्यों? कितने परिवार थारे से जुड़ रहे हैं, कितने तुम जुड़ रहे हो, कितने रिश्तेदार से, जब तुम सुधर जाओगे तो देश सुधर गया। मैं इसलिए एक बात कहा करूँ कि कबीर कहें कि मैं सुधरा तो सारा जग सुधरा, और मैं डूबा तो सारा जग डूबा। क्यों? हमारा जग तो डूब गया, मैं अकला है तो सू जग सू तो, और मैं सुधर गया तो मेरी ओर के सारे तिर रहे होंगे। इसलिए अपने आप को इस योग्य बनाओ, सक्षम बनाओ, ये ना सोचो, किसी की ओर ना देखो। अगर किसी की नकल करो तो उस आदमी की नकल करो जिसने पहले क्या था अब क्या हो गया, उसकी नकल करो, उसकी कॉपी करो कि हम भी ऐसा करेंगे। और ये ना सोचना सत्संग में तो सब प्रकार के लोग आते हैं, चोर भी आते हैं, ठग भी आते हैं, लुटेरे भी आते हैं, बड़े चालाक और चतुर भी आते हैं, वो सत्संग के लिए नहीं आते, वो तुम्हारा पाप धोने के लिए भी आते हैं, उनकी दृष्टि कुछ और होती है, नुगरे कहते हैं उसको। जय नुगरा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लखावे। हैं? कड़वे त्योर देखेगा नहीं देखेगा? क्यों? प्यार को नहीं उसके दिल में, सत्संग है दिल में तो प्यार होगा। आप क्या कहेगा वे? ओछे मंदे वचन सुनावे, वो रहे लड़ने त्यार, नुगरा ना मिलियो पापी मिलो हजार, नुगरा ना मिलियो पापी हजार, मिल जाओ चाहे नुगरा नहीं मिल। नुगरा कौन? जो गुरु का हो के गुरु का नहीं वो नुगरा होता है, जिन्हें गुरु से नाम में नहीं लिया वो नुगरा थोड़ा बेचारा। नुगरा तो वो से गुरु से नाम तो ले लिया और काम करे है नुगरा ले। काम वो करे है जो विरोधी लोग करया करें, वो है नुगरा। इसलिए नुगरे से बच जाओ, नुगरा तो एक मिलेगा सौ पापियां बाहर से उसके सिर पर, बिना गुरु का चाहे मिल जाओ कितने मिल जाओ वो सुधर जाएगा, नुगरा नहीं सुधरे। क्यों? तो डूब के न फिर तेरे तारू वो बनना चाहो फिर नहीं तिर सकता वो डूब्योड़ा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भाई, मानोगे? गर्मी लागी के या बताइयो रे, बताओ भाई साची, एक भी पंखा मन तो चलता दिखा को नहीं, और जिसने पंखा चलाया होगा तो उसका ध्यान सत्संग में नहीं था, कहीं दीप तड़न कर लिया न्यू जाने कहते थे हम गैर सत्संगी बन जाओ। ये तो मन की बात हो आगर से भाई, गर्मी लिकड़ गई ने, गर्मी लिकड़ गई, गर्मी लागी नहीं लिकड़ भी गई ने, मतलब गर्मी लिकड़ना उसे जो मन की बुराई थी वो। चलो बहुत अच्छा, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक आपको शक्ति दे, भजन में आपकी रुचि बढ़ावे, नेक काम करो, घर परिवार में प्यार प्रेम शांति रखो, अच्छा जीवन खुशी से जीवो, और मालिक को दो घड़ी कभी भूलो ना, याद करो हमेशा, हमेशा याद करो। कोई भी काम करने से पहले शुरुआत उस नाम से शुरू करो, मालिक को याद करके करो, अगर अच्छा करेगा तो उसका, बुरा करे तो उसका कह दिया करो, या लेनु का अच्छा करवाओ तो भी तेरा से, बुरा करवाओ तो भी तेरा से, मारा नहीं से, आप संवारेगा फिर बुरा क्यों करेगा उसका, वह बात है, उसके बन जाओ अपना आप ना बनो। बहुत बहुत आशीर्वाद।
स्वामी राधा राधास्वामी संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।